कैबिनेट ने नई एविएशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला किया गया, जिसके बाद अब कंपनियों की मनमानी लूट पर रोक लग पाएगी और साथ ही घरेलू उड़ानों को बढ़ावा मिलेगा। देखिए एक रिपोर्ट। हवाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब हवाई यात्रा करना और भी सस्ता और आसान हो जाएगा। मोदी सरकार ने देश में नई विमानन नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत अब एक घंटे के हवाई सफर के लिए अधिकतम किराया 2500 रुपए होगा, जबकि 30 मिनट की यात्रा के लिए 1200 रुपए देने होंगे। नई पॉलिसी में जहां यात्रियों के हितों का ध्यान रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ विमानन कंपनियों को कुछ सहूलियतें भी दी गई हैं। नई पॉलिसी में विमान कंपनियों को 5/20 नियम से राहत मिलेगी, यानी अब विमान कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 20 विमानों की जरूरत होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू करने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे घरेलू उड़ानों पर अधिक जोर होगा और विदेशी उड़ान के लिए नियम आसान बनाए जाएंगे। साथ ही नई नीति से विमानन कंपनियों की मनमानी पर भी रोक लग सकेगी। नई पॉलिसी के तहत ओवर बुकिंग का हवाला देकर पैसेंजर्स को बोर्डिंग से रोकने पर मुआवजे की राशि बढ़ाकर 20,000 रुपए तक कर दी गई है। उड़ान के वक्त से 24 घंटे के अंदर फ्लाइट निरस्त होने पर मुआवजे की राशि बढ़कर 10,000 रुपए तक होगी। प्रोमो और स्पेशल फेयर समेत कई किरायों पर रिफंड्स लागू होंगे। कैंसिलेशन अमाउंट्स बेसिक फेयर से ज्यादा नहीं होगा और रिफंड प्रोसेसिंग के नाम पर अतिरिक्त पैसे नहीं वसूले जाएंगे। नो शो या कैंसिलेशन के मामले में सभी तरह के टैक्स, लेवी, यूजर, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस वापस होंगे। ट्रैवल एजेंट्स, ऑनलाइन पोर्टलों से बुक किए गए टिकटों पर एयरलाइंस को घरेलू यात्रियों को 15 दिनों में रिफंड सुनिश्चित करना होगा। 15 किलो के बैगेज के बाद 5 किलो तक के वजन के लिए 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा चार्ज नहीं किए जाएंगे। दिव्यांगों के लिए सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार के लिए नियमों को बदला जा रहा है। बिल्कुल नई विमान नीति जनता से लेकर विमान कंपनियों तक सभी के लिए फायदेमंद नजर आ रही है। साथ ही किराए में कमी की वजह से अब आम आदमी भी हवाई सफर की उम्मीद कर सकता है, लेकिन ये नीति कब लागू होगी इसका इंतजार सभी को है। देखते रहिए टीवी लाइव।